नमस्कार मित्रों, मैं वैद अर्जुन सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक पाक मतलब एक माजून के बारे में बताने वाला हूँ। ये माजून दोस्तों स्पेशली उन भाइयों के लिए है जिनके शुक्राणु कम हो चुके हैं या नील हो चुके हैं, या जो शीघ्र पतन की वजह से अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत से भाइयों को ये समस्या है जिनके शुक्राणु नील हो चुके हैं या इतने कम हो चुके हैं जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, और वो मेरे भाई बहुत परेशान घूमते हैं। और काफ़ी मेरे भाइयों को शीघ्र पतन की समस्या हो गई है जिनका वीर्य समय से पहले निकल जाता है और उनकी पत्नी संतुष्ट नहीं हो पाती है। दोस्तों, ऐसे ही मेरे भाइयों के लिए आज मैं आपको वो माजून बनाने का तरीका बताने वाला हूँ जिसके कुछ ही दिन इस्तेमाल से दोस्तों आपके शुक्राणु दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे और आपकी सेक्स टाइमिंग भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देखिएगा दोस्तों, ये वो माजून है और इसे बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपने बड़ के फल ले लेने हैं, ताजे बड़ के फल। बड़ दोस्तों वरगद का जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, उस पर जो फल लगते हैं उन्हें बड़ का फल बोलते हैं। आपने 100 ग्राम बड़ के फल ले लेने हैं। एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो पेड़ के नीचे खुद से टूट कर गिर जाते हैं वो आपने नहीं लेने हैं, आपने खुद पेड़ से ही तोड़ने हैं। और 100 ग्राम आपने बड़ के ताजे फल ले लेने हैं। अब दोस्तों आपने 1 लीटर नारियल का पानी लेना है और उस पानी में आपने ये अपने बरगद के फल डाल देने हैं और उन्हें लगभग 2 दिन के लिए आपने उसी पानी में पड़े रहने देना है। 2 दिन बाद दोस्तों आपके ये फल थोड़े फूल जाएंगे। अब आपने अपने फलों को बाहर निकाल लेना है और उस पानी को आपने फेंक देना है। अब इन फलों को दोस्तों आपने एक बड़ी खरल में डाल लेना है और उन्हें अच्छी तरह रगड़कर उनका बिल्कुल पतला पेस्ट बना लेना है। अब दोस्तों आपने 25 ग्राम सफेद मूसली लेनी है, 25 ग्राम अश्वगंधा लेना है, 10 ग्राम रूमी मस्तकी, 10 ग्राम शालम पंजा, 10 ग्राम असली शिलाजीत, 10 ग्राम शोंठ, 10 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम बड़ी इमली के बीज, 5 ग्राम असली केसर और 2 ग्राम अंबर लेना है। अब इन सभी जड़ी बूटियों को दोस्तों आपने अच्छी तरह सुखाकर इनका बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। अब दोस्तों आपने 700 ग्राम शहद ले लेना है अच्छी क्वालिटी का, जिसे आपने एक कढ़ाई में डालकर हल्की आंच पर रख देना है। अब जैसे ही आपका शहद थोड़ा गर्म हो जाएगा, आपने जो बड़ के फल का पेस्ट तैयार किया था वो आपने इस शहद में डाल देना है और उसे अच्छी तरह से शहद में मिला लेना है और 10 मिनट आपने इसे ऐसे ही गर्म होते रहने देना है। और उसके बाद आपका जो जड़ी बूटियों का पाउडर था वो भी इसमें डाल देना है और उसे भी अच्छी तरह से मिला लेना है। अब दोस्तों आपने इसे ऐसे ही हल्की आंच पर छोड़ देना है और जब आपका ये पेस्ट इतना गाढ़ा हो जाए, माजून बन जाए, ये जो आप देख रहे हैं, जब आपका पेस्ट इतना गाढ़ा हो जाए तब आपने गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। अब ठंडा होने के बाद दोस्तों इसमें भस्में डाली जाएंगी, क्योंकि भस्में जलाते टाइम आपको नहीं डालनी है, इसे ठंडा होने के बाद इसमें भस्में डालनी है। और दोस्तों ठंडा होने के बाद जब आप इसमें भस्में डालोगे, ऐसे ही आप डाल दोगे तो वो इसमें मिल नहीं पाएंगी, इसलिए आपने इस पेस्ट को एक खरल में डाल लेना है। माजून को दोस्तों खरल में डालने के बाद आपने इसमें 2 ग्राम स्वर्ण भस्म डालनी है। और एक बात ध्यान रहे, एक ही जगह आपने नहीं डाल देनी है, आपने थोड़ा थोड़ा इधर उधर इस तरह से करके डालना है। 2 ग्राम सोना भस्म डालने के बाद आपने इसमें 10 ग्राम चांदी भस्म डालनी है, 10 ग्राम बंग भस्म डालनी है और 10 ग्राम लोहा भस्म मतलब कुश्ता फौलाद। ये सभी भस्में आपने इसी तरह से फैलाकर डालनी है। और अब आपने इन सभी भस्मों को इस माजून के अंदर खरल में रगड़ना है और लगभग आधा से 1 घंटा आपने इसे अच्छी तरह से रगड़ना है, ताकि आपकी जो भस्में हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिल जाएं। और दोस्तों आधा से 1 घंटा अच्छी तरह खरल करने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जिन भाइयों के शुक्राणु कम हैं, जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, वो मेरे भाई इस नुस्खे को सिर्फ 2 महीने इस्तेमाल करें और 2 महीने बाद वो अपना सीमन एनालाइज करवा लें। और 2 मंथ बाद आप देखोगे आपके शुक्राणु 60 मिलियन से ज्यादा हो जाएंगे। और जिन भाइयों के शुक्राणु नील होते हैं उन्हें थोड़ा समय लगता है, इसीलिए उन भाइयों को ये माजून लगभग 5 महीने इस्तेमाल करना होता है और 5 महीने बाद उन भाइयों के शुक्राणु भी 60-70 मिलियन तक हो जाते हैं। और जिन भाइयों को शीघ्र पतन की समस्या है,
जिनका वीर्य समय से पहले निकल जाता है और वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, वो मेरे भाई इस नुस्खे को 2 महीने इस्तेमाल करें और आपकी टाइमिंग 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये माजून दोस्तों, हम काफ़ी समय से अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल करा रहे हैं अपने मरीजों को, इसीलिए हमें इसका रिजल्ट अच्छे से पता है। तो कोई भी मेरा भाई अगर इन समस्याओं से परेशान है तो एक बार वो हमारा बताया गया ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।